नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और हमारे आसपास या रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें इसका एक बड़ा उदाहरण है, यानी जरूरत को समझ उसका समाधान ढूंढना। जैसे होशंगाबाद मध्य प्रदेश की नवश्री ठाकुर ने किया जब वो 8th क्लास की स्टूडेंट थी। सुबह से शाम तक पहले खेत और फिर घर के कामों के पीछे दौड़ लगाती माँ को देखकर अक्सर नवश्री झटपट काम माँ को आराम देने के बारे में सोचती रहती और इस सोच को उसने समाधान का रूप दिया। इस मल्टी यूटिलिटी किचन मशीन के जरिए प्रेशर एंड फोर्स के सहारे यह मशीन रोटी, पूड़ी और पापड़ जैसे आइटम्स तैयार करने के साथ साथ एक ही समय में सब्जी कटर और मिक्सर जूसर का काम भी कर सकती है। खास बात है कि बिना बिजली के चलने वाली यह मशीन इस्तेमाल में आसान है और शोर भी नहीं करती। नवश्री जानती थी कि घर और बाहर के काम से सिर्फ उसकी माँ ही नहीं बल्कि गांव की दूसरी महिलाएं भी परेशान रहती हैं। ऐसे में उसकी यह किफायती और बहुउपयोगी रसोई मशीन घर से लेकर छोटे उद्योगों के लिए एक बेहतरीन इनोवेशन होगा और उसकी इसी सोच ने नवश्री को 8वें इंस्पायर मानक पुरस्कार की फर्स्ट विनर बना दिया। असल में स्कूल स्तर पर ही प्रतिभाओं को निखारने और विज्ञान की ओर छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च के तहत मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज यानी इंस्पायर मानक योजना की शुरुआत की थी, जिसमें देश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के क्लास 6 से 10 तक के बच्चों को मौलिक तकनीकी विचारों के जरिए जन समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस साल इंस्पायर मानक के विजेताओं की लिस्ट में दूसरा नाम है कर्नाटक के उवैस अहमद का। उवैस ने 10th क्लास में एक ऐसे स्ट्रेचर का आइडिया सोचा जो हमेशा पेशेंट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख सके, चाहे फिर हॉस्पिटल के रैंप पर चढ़ाना हो या फिर किसी पहाड़ पर। दरअसल उवैस की दादी को जब हॉस्पिटल रैंप पर स्ट्रेचर से ले जाया गया तो उनके रक्त का प्रवाह नीचे की तरफ शिफ्ट होने से उनकी हालत बिगड़ गई और जो उनकी मौत का कारण बना। इस हादसे ने उवैस को कुछ करने की प्रेरणा दी और उन्होंने सेफ्टी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचर बनाया। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि रोगी को आराम से रैंप या सीढ़ियों पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले जाया जा सकता है। इसमें शॉक एब्जॉर्बर्स भी लगाए गए हैं जिससे घायल व्यक्ति या रोगी को कोई असुविधा नहीं होती। इसके साथ ही घायल व्यक्ति को जमीन से स्ट्रेचर पर आसानी से शिफ्ट करने के लिए इसका ऊपरी भाग अलग भी हो जाता है, इसलिए इस इनोवेशन को इस बार दूसरे स्थान पर रखा गया। यहाँ आपको बता दें कि बच्चों के ओरिजिनल और इनोवेटिव आइडियाज के आधार पर तैयार प्रोजेक्ट्स पहले स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर परखे जाते हैं और बाद में 60 सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन में प्रदर्शित किया जाता है और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार 8वें इंस्पायर मानक पुरस्कारों के लिए देश भर के स्कूलों से 3.92 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट सबमिट हुए थे, जिसमें से नेशनल लेवल पर 581 प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट किए गए और फिर 60 बच्चों के क्रिएटिव टेक्निकल आइडियाज को पुरस्कृत किया गया। तो अगर आप या आपके घर परिवार या दोस्तों में भी किसी के पास इनोवेटिव आइडियाज हैं तो अगली बार वो इंस्पायर में हिस्सा ले सकते हैं और हाँ, फिर न्यूज इन साइंस में उनके आइडियाज को भी दिखाएंगे। तो न्यूज इन साइंस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। धन्यवाद।